हाँ, मैं एक इंसिडेंट और बताना चाहती थी। उस टाइम पर मुझे एकदम से ध्यान नहीं आया, वो भी मदरसे का ही था। मेरे मदरसा के अंदर मैं शायद 10 11 साल की रही होगी। मैं उस टाइम पर मेरे ऑपरेशंस हुए थे, 2 3 ऑपरेशंस हुए थे थ्रोट के। उसके अंदर मेरे थ्रोट के अंदर बैंडेजेस थी। तो हुआ क्या था कि मैंने मदरसा अटेंड की थी, वहाँ पर असेंबली लाइन लगती है, मैंने असेंबली अटेंड की थी। असेंबली में मैं सबसे टॉल थी, मैं तो सबसे पीछे खड़ी हुई रहती थी। तो इतने में मेरी कोई चीज़ गिर गई और मैं उसको उठाने के लिए उठी और पलटी। मेरी फ्रेंड को देखकर मैंने हंस दी। तो कोई मौलिम थे वहां आकर के, उन्होंने कुछ नहीं देखा इधर उधर, उनको लगा मैं लेट आई हूँ और मैं हंस रही हूँ, मस्खरी कर रही हूँ। तो उन्होंने वही हाथ डायरेक्ट मेरे थ्रोट पे ही मारा, वो जहां पे मुझे जख्म था वहीं पे मारा। वो मेरी बैंडेज वगैरह सब कुछ था, और मेरे दोनों स्कूल्स में सबको पता था कि मेरे तीन तीन ऑपरेशन हुए यहाँ के। और वो जो उन्होंने मेरे को हिट किया, मैं गिर गई वहीं पर, और मेरे मुंह से तभी के तभी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट भी, ये मेरे साथ हुआ है। ये हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई, मेरे घर के अंदर भी बहुत बवाल मचा। मेरे फादर ने बोला कोई जरूरत नहीं है जाने की, इनको पढ़ाना है तो ढंग से पढ़ाए, ये कोई तरीका नहीं होता है। और तब इतना एजुकेशन भी नहीं था कि अपन जाकर के पुलिस में इस बात की रिपोर्ट करे कि ये तो बच्चे को हिट करना इस तरीके से बहुत ही गलत बात है। नहीं, एक तो ये होता है कि ठीक है, उतना लोगों को नहीं पता था। दूसरा, जो वो मदरसे के लोग ही होते हैं या सोसाइटी में जो कनेक्टेड होते हैं, वो खुद ही आपको पुलिस तक जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि यार ठीक है, गलती हो गई, अभी इसको यहीं पे लेकिन रफा दफा गलती भी करो। एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, वो दिक्कत कहाँ पर आती है कि वो गिल्ट भी नहीं फील करते हैं इस बात को लेकर के कि मैं गिल्टी हूँ, मुझे ये गलती हो गई है। वो इतना सुपीरियर पोजीशन पर अपने आप को समझते हैं कि उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। आप समझ रहे मेरी बात को? वो इतना अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि उनसे तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे हिट किया, मेरी ऐसी हालत हुई, मैं हॉस्पिटलाइज हुई, स्टिल ही वॉज नॉट गिल्टी। वो बोले आपकी बेटी लेट आई, और अरे ये कहाँ से जस्टिफाई हो गई है ये बात कि मैं लेट आई तो आप मेरे को ऐसे हिट कर। उन्होंने मेरे को इतना जोर से हिट किया कि मैं जमीन पर गिर गई, और मेरे मुंह से हाथों हाथ मेरे मुंह से तभी के तभी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे तो थ्रोट प्रॉपरली हील नहीं हुआ था। मेरे तो चिन पर और थ्रोट पर बैंडेजेस लगी हुई थी, ये तो सबको पता थी। तो वहां से अंदर का मेरे को जो प्रॉब्लम था ना, वहां से ब्लड निकलना, इंटरनल मेरे को दिक्कत हो गई और ब्लड निकलना शुरू हो गया। सबको पता थी कि मेरे तीन ऑपरेशंस, मेरा ऑपरेशन का था तब। और मैं उसी हालत में अटेंड भी कर रही थी स्कूल्स के, नहीं मेरे को मेरा कोई भी ये सबक मिस नहीं करना है। तो ये एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ में। मैं बहुत रोई थी, फिर उसके बाद में मैं महीना 1.5 महीना तक नहीं गई थी मदरसा। माई फादर वॉज वेरी अपसेट एंड एंग्री विद दिस के कोई जरूरत नहीं है जाने की, तरीके से पढ़ाना हो तो पढ़ाए, हम मार खाने के लिए थोड़ा ना भेज रहे बच्चे को। अब उनको पूरा सही इंसिडेंट तो बात है। पता ही नहीं और था। ये जो ये इंसिडेंट होते रहते हैं, धुलाई के इंसिडेंट काफी सारे, अभी आपने जो मुझे वीडियोस भेजे थे, तो वहां पे भी बहुत बुरी तरीके से उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को छड़ी से मारा गया था। उसका बैग वो का पता नहीं नीचे छड़ी डंडे से ही मारा था कि किस चीज से मारा था, वो भी नहीं से, वही पता। छड़ी या डंडे से ही मारा होगा, जिस तरीके से उस पे निशान थे उसके बॉडी पे बच्चे के। तो ये उनको इतना बढ़ावा कौन दे रहा है वो खुद में अपने आप में इतना खुद? सुपीरियर फील कर लेते हैं कि वो नहीं अपने नहीं अरे पोजीशन पर, वो खुद सुपीरियर को कोई देख फील ऐसी थोड़ी ना करता है। उनको उतना बढ़ावा दिया जा रहा है दिया मुस्लिम जा रहा है। कम्युनिटी के तरफ से, तभी ना कर रहे हैं वो। वही वो उनको यही फील करवाया जाता है ना कि आप तो गलत हो ही नहीं, आप तो इतने आलिम हो, आप कैसे गलती कर सकते हो। इसीलिए राइट मेरी डॉटर के साथ में भी, उनके जो मौलिम थे वो 60+ एज के होंगे, तो उन्होंने कुछ उनको टच वच किया होगा या कुछ हिट किया होगा सर के ऊपर, कुछ कुछ तो किया होगा। उसने मुझे आके नहीं बताया, फिर दूसरे पेरेंट्स के बच्चों ने उनको जाकर, पेरेंट्स को जाके बताया, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी डॉटर के साथ में ऐसा किया। तो मैं तो हाथों हाथ पहुंच गई मदरसा की, कोई तरीका थोड़ी ना होता है। आप लड़की तो क्या, लड़के के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते आज की डेट में। आप मेरी बेटी तो छोड़ दो, किसी की भी बेटी, किसी के भी बेटे के ऊपर भी हाथ मत उठाना, लोग आ जाएंगे आपके घर में पुलिस लेकर के। आप इस गलत फहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दी कि आप सीसीटीवी लगवाइए। तो हम लोग क्या है कि ये वाले स्कूल के अंदर हम लोग ट्रैक करते रहते हैं
कि बच्चा क्या कर रहा है क्लास के अंदर, क्या नहीं। मैं हमने बोला कि इस क्लास में भी चाहिए हमको सीसीटीवी कैमरा, हम उस बच्चे को ट्रैक कर सके वो क्या कर रहा है क्या नहीं। मैंने बोला वो फेल भी हो जाए तो भी आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसको हिट करोगे। मैं मदरसा के अंदर इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी कि मेरे एक नुक्ते की भी मिस्टेक नहीं निकाल पाते थे मेरे जो मुझे पढ़ाते थे। मेरे मम्मी पीटीएम में जाते थे रिजल्ट लेने के लिए तो वो तो मौली में यही बोलते थे कि वो बोर्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ रहता था, तो बोले कि इनकी एक नुक्ते की भी मिस्टेक तो हम नहीं निकाल पाते। बिल्कुल फुल मार्क्स आते थे मुझे। मैं उस इस लेवल की स्टूडेंट थी इसमें। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके मुझे इस चीज से बिल्कुल ये होने लग गया। फिर उसके बाद में सेकेंडली मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी मुहर्रम आ रहे हैं तो मुहर्रम के ऊपर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? मुहर्रम के ऊपर देखिए, मुहर्रम के ऊपर जनरल बात यह है कि सारा किस्सा जो है वो इसका था, लीडरशिप का था। लीडरशिप किसको मिले, तो इन लीडरशिप की चक्कर में ये लोग शुरू से लेके लड़ाइयां करते रहे और इसी चक्कर में सारे मारे भी गए। हजरते उमर को भी मारा गया, हजरते उस्मान को मारा गया, हजरते अली को मारा गया, है ना। फिर ये उनके जो नवासे थे वो भी मारे गए। तो इन्होंने जो आपस में लड़ाइयां की है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजन था इनका कि मुझे मिल जाए सीट, उस चक्कर में सारी लड़ाइयां हुई है। और इसके ऊपर प्रॉपरली एक डिटेल में स्ट्रीम हमारे एडम सीकर साहब करेंगे, आई एम श्योर, जब मुहर्रम का वक्त नजदीक आएगा। लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था, ये साल भी वो करेंगे। नजदीक तो आ गया, अब 2-3 दिन ही तो बचे हैं। अब हाँ मुझे क्या तो है, इस बात की टेंशन है कि हमको तो जाना पड़ेगा मस्जिद। हाँ, मस्जिद में जाना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस चीज को जा करके कैसे बैठूंगी। मैं नहीं समझ नहीं में आ रहा जाओ ना, मुझे। अवॉइड मैं नहीं, करो। वो तो घर पे आ जाएंगे लेने के लिए, अच्छा ऐसा आ भी है, जाएंगे। और यहाँ स्कूल स्कूल जाना अलाउड नहीं है बच्चों को। यू हैव टू छुट्टी पे टेक चले प्रॉपर जाओ, लीव। यस, 2-3 दिन कहाँ छुट्टी पे, जाऊँ 10 दिन छुट्टी? छुट्टी पे चले नहीं, जाओ। छुट्टी पे भी नहीं, छुट्टी पे भी कहाँ जाऊंगी? ईद इसी इस टाइम पे तो छुट्टी पे भी नहीं जा सकते आप ये क्या मुसीबत है बच्चों यार, के। ये क्या हाँ, जबरदस्ती है। प्रॉपर, हाँ, यू हैव टू गिव प्रॉपर एप्लीकेशन इन योर चाइल्ड स्कूल्स के वो 10 दिन तक स्कूल नहीं आएगा फॉर दिस दिस रीजन। कोई बीमारी की, बीमारी का भी बहाना नहीं, कोई भी बहाना नहीं। ये रीजन लिखो कि इस रीजन से बच्चा स्कूल नहीं आएगा, और बकायदा अच्छा उसकी कॉपी उसमें आपको चाहिए। बीमार बीमार लोग को भी लोग उठा के लेके जाते हैं क्या? यस, हाँ, जो बिल्कुल जयीफ है, बिल्कुल बुजुर्ग है, उनको भी बकायदा वो लोग इसमें लेकर के जाते हैं। मतलब लेकर के प्रॉपरली जाते हैं ऐसा नहीं है, पर उनको अटेंड करना बिल्कुल जरूरी है। उसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास में, यू हैव टू अटेंड। यार ये क्या, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुना कि ये हाँ इतनी शिद्दत से ये लोग, तो ऐसा तो फिर मस्जिदें कम पड़ जाएंगी अगर सबको उठा के हाँ लेके जाना शुरू किए। हाँ और कोई बिल्कुल ही ज्यादा बेड पर है तो उनके घर के अंदर वो माइक का कनेक्शन लगा करके देंगे जिनसे वो लोग सुने। हाँ घर पे भी सुकून नहीं। हाँ वो लोग सुने प्रॉपरली। तो दोनों टाइम पे मस्जिद जाना रहेगा। सुबह भी बिल्कुल बिफोर टाइम 10 o'clock के पहले आपको हाजिर हो जाना है, और इवनिंग में भी आपको बिफोर टाइम बिल्कुल हाजिर हो जाना है। फिर उसके बाद में, चलो ये तो ठीक है हाजिर हो जाना, पर उनका क्या कहना है कि बच्चों की स्कूल से लीव लो, 10 days की, 10-10 दिन की छुट्टी लो। उसमें भी एग्जाम भी आए, फाइनल एग्जाम भी क्यों ना हो, आप बच्चों को मत जाने दो। आर यू एग्जाम्स भी, सीरियस? यस आई एम सीरियस, ये तो बहुत ही अंदर की बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत बहुत ही शिवरिंग हो रही है बताने के अंदर भी, पर ये, हाँ, ये लोग, मतलब ये तो बोला जाता है कि अगर आपका बच्चा एग्जाम भी है, मतलब कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, कॉलेज में क्यों नहीं जाता है, एग्जाम है, लीव इट, कम टू द मस्जिद। यानी और सोचो आप लोग कि हम लोग, ये सुन्नियों की बात नहीं चल रही है, ये हाँ, ये चॉइस ही नहीं है, ये चॉइस हम ही चॉइस ही अक्सर नहीं है। लोग ये समझते हैं कि भाई सिर्फ सुन्नी जो है वो कट्टर होते हैं। यहाँ पे सुन्नी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दूसरे सेक्ट शियाओं के अंदर जो सेक्ट है उसकी बातें हो रही है कि उनके अंदर इतनी कट्टरता है ये मुहर्रम को लेके। अब ये क्या मुसीबत है, किसको नहीं जाना है वो उसको भी जाना ही पड़ेगा। उसको भी जाना है, मतलब वर्क भी नहीं करना। जैसे जितना टाइम आप इबादत कर रहे हो, जितना टाइम मस्जिद में हो, तब तक तो ठीक है, उसके बाद में तो आप वर्क करोगे ना।
दुकान ही नहीं खोलनी, ऑफिस नहीं जाना है, एवरीथिंग फॉर 10 डेज बिल्कुल सीज कर देना है, बिल्कुल बंद हाँ कर मैंने देना ये है। देखा है कि ये जब मैं मार्केट जाता था उधर, वहां पे बहुत से बोरी लोगों की दुकानें थी, तो ये 10 दिन बहुत लोग का टाइमिंग या तो एकदम कम रहता था या तो फिर दुकान ही बंद रखते थे वो लोग, बंदी रहती थी। हाँ तो या वो तो टाइमिंग ये एकदम कम, मतलब 4 बजे या 3 बजे ही वो दुकानें उनकी बंद हो जाती है। और ये फिर क्या है, स्कूल से आप लीव एप्लीकेशन दो और उसका कॉपी करवा करके आप सबमिट करो मदरसा के अंदर कि आपने स्कूल में एप्लीकेशन दे दिया है। उसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास में, आपको करना पड़ेगा ये। ओ बाप रे बाप। मैं भी इसको ब्लाइंडली फॉलो करती थी जब तक तो मैं तो लास्ट ईयर समझता हूँ में। फिर ये मामले में तो फिर सुन्नी लाख दर्जे अच्छे हैं। सुन्नियों में तो कई सारे लोग हैं जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, कोई ऐसा घर पे से उठाने नहीं आता है किसी को। हेलो भाई, हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई। मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ हाँ, आप तो सुन्नी है, वो तो आपका ये कजिन आपको जबरदस्ती करके लेके जाता है ना, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे जो है, मैं मुंबई की अगर बात करूँ तो वो यहाँ पे तो अगर जमात लेवल पर हो सुन्नियों तो में वो हाँ सुन्नियों में तो वो अगर कोई नमाज ईद की नमाज भी नहीं जा रहा है तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, मेरी यह अभी जबरदस्ती नहीं है। यहाँ ये तो जमात लेवल के ऊपर वो लोग बकायदा घर पे पूछने के लिए आते हैं। 10:30 बजे का बिल्कुल डेडलाइन टाइम होता है, 10:30 को मतलब आप घर पे मतलब दिखने भी नहीं चाहिए, अच्छा, वो फिर कोई पूरा अगर सुन समझो लेंगे। पर्पसली अगर नहीं जाता है तो क्या बॉयकॉट करते हैं वो लोग, क्या करते हैं? वो फिर अंदर इंटरनल लेवल पे क्या करते हैं, इतना डिटेल में तो मुझे पता भी नहीं है। मैं तो एक बार लेट हो गई थी मेरी बेटी की वजह से, वो छोटी थी तब उसकी तबीयत खराब थी, फीवर हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, तो मुझे बहुत सुनाया गया कि आप इतने आवाज चली गई आप हेलो। जी। मेरी अच्छा, यहाँ नूरिया जी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो ये थी कुछ अंदर की बातें जो नूरिया जी ने हम सबको बताई है। ये इतना स्ट्रिक्टनेस यार मुझे भी नहीं पता था, इतना स्ट्रिक्ट होता है। इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हेलो, जी अहमद साहब। तो मेरी जो कजन है ना उसकी मदरसा पे वो लोग लादेन है ना, उसामा बिन लादेन, उसको वो आइडियल होगा उनके लिए। वो उनके लिए आइडल है, समझ गया मैं। वो लोग उसको लादेन अलैहि वसल्लम बोलते हैं। अच्छा इतना, हाँ भाई, ओहो हो, सही है भाई, ये तो सही हो गया। तो मैंने तब ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी उसके बाद, तो फिर मैंने देखा कि खूनी खेल है सारे। सारा खूनी खेल, ये बात तो सही है हाँ भाई, आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ टट्टी और हसी भाई कह रहे हैं, हु विल मोमिन चूज इफ आस्क हु इज शैतान, अल्लाह और पोपट। इफ पोपट इज शैतान देन मोमिन कैन स्टिल वर्शिप अल्लाह बट कुरान इनवैलिडेटेड। बहुत गहरा खेल है कुरान, टट्टी और हसी भाई। योगेश पुनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। किरिट कोहली कह रहे हैं, जय सोमनाथ साहिल जी, एंजल जी, हफ्सा जी और जय सोमनाथ। थैंक यू जय सोमनाथ किरीट जी। द्युति गोस्वामी थैंक यू सो वेरी मच। जमाल राजा बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी नंबर वन कह रहे। साहिल भाई, कक किरण सूरा पढ़ने का कारण था क्या? मनजिंदर सिंह भाई कह रहे, सूरा पढ़ा तो इंटरनेट बंद, कलमा पढ़ा तो दिमाग बंद। भारती वर्मा थैंक यू सो वेरी मच। जैन भाई कह रहे, वंडर इफ द वर्स वाज रिवेंज ऑफ द प्रॉफिट अगेंस्ट द पीपल हु सर्वड हिम दैट वाटर। एतेस द डिस्ट्रॉयर कह रहे हैं, साहिल भाई एडम भी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? यस ही इज एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ा काम में बिजी है हमारे उज्जतुल मुर्तदीन, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे।
प्रशांत कह रहे मुहर्रम फेस्टिवल के पहले स्ट्रीम करिए, हमें भी नहीं पता, सड़क पे खून खराबा होता है। ठीक है, करेंगे इस पे। चुन्नी बाबू कह रहे मदरसा ही सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम बनाएगा, बिल्कुल। यूट्यूब वाला मौलाना, अबे शरीफ तुझे क्या काम करने भेजा था मैंने, और तू हमारे मदरसे के विक्टोरिया सीक्रेट्स यहाँ उजागर कर रहा है। कल आ मदरसे, बताता हूँ तुझे। मोहम्मद दाऊद कह रहे आई वांट टू ज्वाइन स्ट्रीम। तो भाई लिंक शेयर तो किया है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, एक मिनट, कौन बोला अभी ये? मैं अच्छा नूरिया जी, फिर से आ गए आप जी। हाँ, तो मैं तब मुझे बहुत तो सुनाया गया था जब मेरी बेटी, मैं तभी ईदी से बोली थी ना, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, तभी मैं लेट हो गई थी जाने के अंदर, मुझे 11 बज गई थी जाने में, तो मुझे बहुत बहुत सुनाया गया पब्लिकली कि आप इतना लेट क्यों आए। मैंने बोला अभी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, वोमिट कर रही है, मैं कैसे आ जाऊं, उसको मेडिसिन दे करके आऊंगी ना, हमारे पास तो सारी मेडिसिन थी। मैंने बोला ला करके दो मेडिसिन, फिर उल्टी कर रही है, अब उनके पास मेडिसिन कौन सी, बीपी, डायबिटीज, मैंने बोला ये सब अच्छा सब थोड़ी ना हो रहा रखते है हो बच्चे भी? को। हाँ, मैंने बोला ये सब थोड़ी ना है मेरे बच्चे को, वॉमिटिंग हो रही है, अब वॉमिट की मेडिसिन मंगवा करके दो मुझे बाजार से। आपने तो बोला मैं लेट आई हूँ, अब मैं लेने के लिए जाऊंगी तो और लेट हो जाऊंगी। पर्टिकुलरली कार्ड स्कैन होता है, उसके अंदर एंट्री होती है, स्कैनिंग होती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर अपडेट हो जाता है आपका पूरा, आपने कहाँ तक एजुकेशन ली है, वो सब कुछ उसके अंदर सिस्टम के अच्छा सब अंदर है डिटेल्स कि होता है उनके पास? यस, वो पूरा कार्ड स्कैन होता है। इवन मेरे अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही थी, यूं दिक्कत आ रही थी कि मेरा 12th स्टैंडर्ड 1 साल के अंदर मैंने क्लियर किया था, फिर उसके बाद में मेरा जो थर्ड ईयर था मैंने जिस साल किया, वो 12th और थर्ड ईयर के बीच में लगभग लगभग 6 ईयर्स का गैप था, अच्छा मैं तो नूरिया मेरे जी एक चीज ये कहूंगा कि को वो यानी ज्यादा इतना पर्सनल डिटेल्स ना बताइए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। नहीं, ये पर्सनल, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। वो 6 ईयर्स का जो गैप था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, मतलब 6 साल का गैप तो नहीं होता है कभी भी ग्रेजुएशन और 12th में। मैंने बोला मेरा तो मतलब मिस हो गया है ना, मेरे तो शादी हो गई थी, फिर जो भी मेरा प्रोसीजर था बच्चे का, तो उसकी वजह से मेरा लेट हुआ है। तो उन्होंने बोला ओ इसके लिए फिर ठीक है, मतलब उनके पास पूरा डिटेल होता है, आप कहाँ पर कब जा रहे हो, पूरा कार्ड स्कैन होता है, तो उनके पास इवन इनकम का भी पूरा डिटेल होता है कि कौन कहाँ पर क्या काम कर रहा है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इतना डिटेल तो गवर्नमेंट को भी नहीं रहती भाई। नहीं रहती है, बहुत बहुत बहुत, इसीलिए तो मैं इतना आपको बोला था तब भी कि मुझे बहुत ही शिवरिंग हो रही है बात करने में भी, कि यानी ऐसा मैं नहीं तो है कहूंगा कि कि गवर्नमेंट को इनसे यानी ये जो कम्युनिटी है इनसे सीख लेनी चाहिए इंसान का ऊपर से लेके नीचे तक डिटेल कैसे मेंटेन किया जाए। ओ बाप रे हाँ बाप। वो तो आप लेकिन नूरिया जी आपको कई ये जितनी चीजें बता रही हैं आगे आपको दिक्कत तो नहीं होगी? आर यू श्योर? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो जाए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ओके ठीक है, मैं तो ये मुहर्रम के लिए ही आपको पूछ रही थी कि फिर मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, बिल्कुल झूठ अच्छा मत कहा इसमें करना। एक सवाल सिर्फ आपसे ये करूंगा कि जिन औरतों को मेंस्ट्रुएशन चालू रहता है यानी हैज के वक्त में है तो उनको मस्जिद में तो अलाउड नहीं रहेगा? वो बनाया जाता है ना सहन बाहर, मस्जिद के बाहर का जो एरिया अच्छा होता है बाहर वो, इंतजाम करते हो लोग, मतलब वो उससे भी हाँ छूट नहीं सकते? नहीं बाहर बैठिए, ओहो हो। वहां पे सुनिए, हाँ वहां पे सुनिए। यार ये तो बड़ा अजीब इन मामला है यार, ये इतना कौन ऐसा बांध के रखता भाई? तो इससे तो बेहतर यही है कि वो आप एरिया वीरिया छोड़ के किधर दूसरी जगह घर ले ले ताकि इनकी मगजमारी ना हो। हमने लिया भी इसी एरिया में है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की वजह से लिया है, उनके सारे घर वाले सब इधर ही रहते हैं, जिस जहाँ पे लिया है हम लोगों ने, उसी लिए हमको इधर ही लेना पड़ा। अब उनको छोड़ करके मैं कहाँ पर जाऊंगी, यानी पहला एक तो ये मजबूरी के वजह से, एक इंसान मजबूरी के चीज। वजह से वहां रुका हुआ है तो पूरा उसका फायदा उठाया जा रहा है। सोचिए हाँ आप अभी लोग। मेरे जी मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ
कंट्री रहते हैं, तो मैं ही मेरे घर को संभालती हूँ एज अ मैन, क्योंकि वो तो महीनों के बाद, साल भर, बहुत बहुत टाइम के बाद में आते हैं वो, तो मैं ही घर में रहती हूँ। मेरे मदर इन लॉ बहुत बड़ी एज के हैं, तो मेरे को ही संभालना पड़ता है, उनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी। वो तो मेरा एज ए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मुझे संभालना है। तो ये खैर मुहर्रम, ये मुझे उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्कूल के अंदर, मेरी बेटी की स्कूल के अंदर, कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए 10 दिन की। तो वो बाकायदा पूछेंगे मुझसे कि आपको किस रीजन से छुट्टी चाहिए। तो मैं तो उसकी स्कूल में बड़ी गर्व से जाती थी पहले तो एप्लीकेशन देने के लिए, कि वी वी मोन फॉर 10 डेज, दैट्स वाई माई चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल ऑन दीज होली डेज। अभी मैं किस मुंह से जाऊंगी उनको ये बोलूंगी कि मैं क्यों छुट्टी मांग रही हूँ, मेरे को तो खुद को ही क्लीन नहीं है। सही है। चलिए, आई होप कि आप जल्दी से जल्दी उस जो भी एरिया है, आपके शौहर भी, जैसा आपके अंदर रैशनैलिटी आई है, आपके शौहर के अंदर भी वो रैशनैलिटी आए और जल्द से जल्द आप अपनी मदर इन लॉ को लेकर वहां से निकले और कोई अच्छी जगह पे जाए जहां पे ये फोर्सफुल जो बिहेवियर है इनका ये कहीं पे भी सामने वाले के चेंज ऊपर। नहीं होने वाला है, मैं किसी भी एरिया में चली जाऊं, मेरा पूरा डिटेल रहेगा सबके पास में, मैं कहां से चली जाऊंगी। नहीं ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे दूर एरिया में जाओ जहां से वो आपको बुला नहीं पाए। अरे ट्रैक हो जाता है, यही तो दिक्कत है, सब ट्रैक हो जाता है। अभी ये जैसे क्या किसी, मुसीबत है, आप दूसरे सिटी में चले गए तो वहां भी आएंगे क्या उठाने के लिए? हाँ वो पूरा सिस्टम हर जगह पे है, हेडक्वार्टर तो बॉम्बे में है, सूरत में है तो इन्फॉर्मेशन भेज ना। देते हैं क्या, हमारी हमारे एक लोग जो है आपके इस एरिया में आए इसको? हाँ, वो डिटेल जाता है। यार कसम से मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आप चूंकि इसमें रह रही है, मतलब ये एक ऐसा मूवी जैसा सीन लग रहा है कि एक इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है, तो मुझे तो ऐसी लग रहा है, इतना कोई कैसे कर सकता है भाई? ये क्या द बाप का राज है कि आप इतना पीछे पड़ गए? हाँ ये मतलब वहां जाना आना, और मतलब मस्जिद में जाना ये मुहर्रम के टाइम पर, ये तो ऐसा ही लगता है कि जैसे गुंडे लोग उठा करके लेके जाते हैं। मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहती हूँ ऐसी कोई लैंग्वेज, पर लिटरली ऐसी फीलिंग आती है जब गार्ड जाते हैं ना घर के अंदर बुलाने के, नॉक करने के लिए हाँ, कि चलिए आइए, लेकिन ये 10 दिन का ऐसे ही है, ही राइट? फीलिंग। यस, द 10 डेज। अच्छा, मतलब सिर्फ ये जबरदस्ती इनकी, सिर्फ ये साल में एक बार 10 दिन के लिए, बाकी टाइम पे तो इतना पीछे नहीं पड़ते ना? नहीं इतना नहीं पड़ता, फिर उसके बाद में आपकी मर्जी आना हो तो आओ, फिर उसके बाद में जजमेंटल सोसाइटी है, लोग बहुत जज करते हैं। हाँ छोटा सा ही तो है, उसमें एक एक को भी कुछ बात पता पड़ती है तो वो तो फैलने में कुछ ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगता सही बात है। है। तो ये बस ये 10 डेज, और दीज 10 डेज उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, बच्चों को भी मतलब यहाँ पर नहीं बिठाना और यहाँ पर बिठाना, ड्रेसिंग के लिए भी प्रॉपर ड्रेस कोड है, यू सपोज टू वेयर ओनली दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस, उसके अलावा कोई तरीके के कपड़े पहनने अलाउड नहीं। अच्छा, इसमें मैंने ये भी सुना है कि इसमें क्या कहते हैं उसको, चंदे विंदा जो है बहुत भारी मात्रा में दिया जाता है, क्या चीज चंदा जो होता है डोनेशन, डोनेशन कहाँ पर होता है? ये जो भी इनके बड़े डोनेशन होते भी हैं जो बड़े सलाम होता है, पोजीशन पे, सलाम। उनको काफी डोनेशन आते हैं ऐसा मैंने सुना है। हाँ सलाम होता है, बहुत अनशन होता है वो, मतलब रमजान के टाइम पर तो आप वो मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार तो लड़ना पड़ता है। कई लोग तो मतलब किसी की तो ऐसी हालत होती है कि, ये तो कम्युनल लेवल पे बोल रही हूँ मैं, कई लोगों की तो ऐसी हालत होती है कि खाने पीने के वांदे होते हैं, उसके बाद में भी आप उनको भी मतलब मदद के जो पैसे आते हैं ना उसमें से भी काट कुटा करके वो लोग जो देते हैं यहाँ पर, जो ऊंची पोजीशन पे लोग बैठे रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, करप्शन बोलते हैं, वो करप्शन है। मतलब हम पॉलिटिक्स तक जाए वो तो बहुत दूर की बात है, हम कम्युनिटी का करप्शन ही खत्म कर देना तो भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए पॉलिटिक्स पर इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स का, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर इतना करप्शन है कि तो पॉलिटिक्स पे कहाँ जाएंगे। सही। ये जो गरीब जो है, जिसको 2 टाइम की रोटी, जिसका घर अपना नहीं है, उसको मदद के पैसे, उसमें भी बहुत बहुत मतलब काट कुटा करके उनको रकम मैं दी आपको जा रही एक है कि आइडिया नहीं दे दी जा सकता रही। हूं, आइडिया ये है कि आई डोंट नो कितना वो प्रैक्टिकल है, आपको ये आइडिया दे सकता हूं कि आप ऐसा करिए कि सुन्नी बन जाइए आप,
और एक बार सुन्नी बन गई तो जबरदस्ती नहीं चलेगी, सही है है। ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप सुन्नी बन जाइए, उनका जोर खत्म हो जाएगा। सुन्नियों में इतना वो नहीं है कि आपको उठा के लेके जाएंगे। सुन्नी में हाँ, तो उसके शायद बाद उतना फिर वो लोग करते भी नहीं है मुहर्रम को लेकर के, मुझे नहीं लगता। मैंने इतना डिटेल नहीं दी, मैं किसी से कभी रिलीजन और कास्ट के बारे में बात ही नहीं करती थी। आज से पहली बार आपसे पहली बार मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। आज से पहले मैंने किसी के भी बारे में ना कास्ट के बारे में बात की है ना रिलीजन के बारे में बात की आज दिन तक। सही हो गया। तो मेरा मेरे पास जो आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसा सुन्नी बन जाइए ताकि इनका जो जोर है वो कम से कम आप पे ना चले। फिर मुनाफिकत वाली जिंदगी जी आप सुन्नी मुस्लिम बन के जब तक। वो जो आप रमजान वो जो इसकी बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, ज़कात की बात कर रहे हैं, वो ज़कात के अंदर उसकी भी शर्तें हैं कि इतना आपके पास जो है उसके बाद ही आप ज़कात, वो अननेसेसरी ही बिल्कुल फिगर लिखा जाता है उसके अंदर, जिसका कोई जो कमाने वाला है उसके पास है ही नहीं। फिर उसके बाद में उसको फोर्स किया जाता है कि आप इतना तो दे सकते हो। हालांकि ज़कात का क्या क्राइटेरिया था कि जो गरीब है उसको दो आप, ये तो जबरदस्ती वो लोग वसूल करते हैं। अगर मैं कोई एक अच्छा सा वर्ड बोलूं तो उसको वसूली करना बोला जाता है। आपके पास तो है आप तो दे दो, कहाँ से है किसके पास है आप कहाँ से है देखने के लिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं होता है, फिर उसके बाद में भी उनको परेशान किया जाता है। सही हो गया। चलिए नूरिया जी, आज के लिए तो इतना ही काफी है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे भी डिस्कशन करना है। काफी डिटेल्स आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतने सारे राज खोलने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।